नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आने वाली गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। और फ्रेंड्स, बहुत सारे मिठाइयाँ बन रही हैं, लड्डू बन रहे हैं, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे झटपट से बनने वाला मोदक, जो बहुत ही कम सामानों में बनकर तैयार होता है और बहुत जल्दी तैयार होता है। तो ये ले लिया है मैंने 1 कप पोहा और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो सभी के किचन में ज़रूर होती ही है। ड्राई फ्रूट्स में लिया है काजू, फाइनली चॉप्ड है, और पिस्ता। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो फटाफट से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो पैन में डाल लिया है मैंने 2 चम्मच घी, और ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। या फिर अगर आप घी भी नहीं खाना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। बाद में पोहा बना, जब हम मोदक बनाएंगे उस टाइम में हल्की सी घी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे घी डाल लिया है और बहुत हल्की फ्लेम पे ही, लो फ्लेम पे ही मैं इस पोहा को भूनूंगी, क्योंकि इसका कलर हमें चेंज नहीं होने देना है। तो ये देखिए, घी अब्सॉर्ब कर लिया पोहे ने, तो कलर हल्का सा फेड हो गया है, बट जैसे जैसे ये भुनेगा इसका कलर और वाइट होता जाएगा। तो हमें ज़्यादा डार्क इसलिए फ्लेम को नहीं करना है, हाई नहीं करना है, ताकि ये ब्राउन कलर का पोहा हमारा भुनकर तैयार ना हो जाए, वाइट ही रहे। तो ये इस तरीके से है। अब हम इसे कर लेंगे ट्रांसफ़र एक बर्तन में, ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए, और फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो बहुत ही देख रहे हैं आप कि बहुत कम सामानों से मैंने ये मोदक तैयार किया हुआ है। चूड़ा या पोहा सभी के घरों में होता है, चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप अवॉइड कर सकते हैं, जो भी चीज़ है आपके पास उसमें ही आप ये मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये गया भुना हुआ जो पोहा है मिक्सर ग्राइंडर में, इसे हम एक कोर्सली या सेमी कोर्स पाउडर हम तैयार करेंगे। बहुत ही फाइन नहीं तैयार करेंगे, आटा की तरह या मैदा की तरह पाउडर नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके से हल्का सा दरदरापन रहे, बिल्कुल वैसा हमें पाउडर तैयार करना है। इसमें है चीनी, इलायची और पोहा भुना हुआ। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये तैयार हो गया है हमारा मिक्सचर या आटा। बिल्कुल हमें आटा या मैदा बिल्कुल नहीं बनाना है, फाइन नहीं करना है। तो ये सभी एक बाउल में निकाल लेंगे इस मिक्सचर को, और डाल लिया है मैंने 1/4 कप इसमें मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर की जगह पे आप दूध की मलाई, जो रेगुलर दूध की मलाई होती है, वो डाल सकते हैं, फ्रेश वाली। तो इसको मिक्स कर लेंगे, और ये जो हमारा काजू कटा हुआ है एकदम छोटे छोटे से बारीक, मैंने इसको कट किया है, और वो डाल लेंगे, और थोड़ी सी ये पिस्ता डाल लेंगे। बाकी का पिस्ता मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। इनको करेंगे मिक्स, और अब जो रूम टेम्परेचर वाला दूध है वो हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके इसमें। तो आप मिल्क पाउडर अगर नहीं है तो सिर्फ दूध और दूध की मलाई से इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थोड़ा ही दूध डाल रही हूँ, तो इसमें 3 टेबलस्पून मैंने दूध डाल दिया है। और बीच में अगर आपका डो हार्ड होना शुरू होता है, क्योंकि पोहा जैसे जैसे देर होती है पोहा और कड़क होता जाएगा ये हमारा डो, तो अगर बीच में ये डो हार्ड हो गया तो उसमें हम फिर से 1/2 चम्मच के बराबर दूध डालेंगे और उसे सॉफ़्ट कर लेंगे। डो को सॉफ़्ट होना चाहिए, ताकि मोदक भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सा तैयार हो। तो जो गार्निशिंग के लिए पिस्ता मैंने बचाया था, उसे मैं इस मोल्ड में, ग्रीस किए हुए मोल्ड में लगा दूंगी पहले से ही। उसके बाद ये जो हमारा डो है पोहे का, उसको लगाएंगे इस मोल्ड में। तो ये देखिए, एक एक साइड में, दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा सा लगाने के बाद में इस तरीके से इस मोल्ड को बंद करके एक मोदक झटपट से तैयार हो जाएगा। और जो पिस्ता है उसे आप पहले से लगा दें तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अंदर मैं कोई फिलिंग नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ की, सिर्फ पोहा से ही ये मोदक आज मैंने तैयार किया है। तो इतने सिंपल वे में ये मोदक बनकर तैयार हो रहा है, ज़्यादा सामान नहीं है, बहुत ही इजी और क्विक है। तो आप कभी भी, जब भी मोदक बनाना हो,
गणपति बप्पा के लिए फटाफट से आप इस मोदक को तैयार कर सकते हैं। अगर आप घी नहीं खाना चाहते तो घी भी अवॉइड कर सकते हैं, और डो बनाते वक्त बस हल्की सी आधी चम्मच घी आप डालिए। चूड़ा को, पोहा को ड्राई रोस्ट करके बस डो बनाते वक्त हमें हल्का सा घी डालना होगा, तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं कम घी में। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी बस यूज़ किया है, और 1 कप पोहा, 1/4 कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर। तो इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 1 मोदक तैयार कर लिया है, बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा। वैसे तो दिल से आप कुछ भी प्रसाद चढ़ाएं, गणपति बप्पा उसे ज़रूर स्वीकार करते हैं, पर हम चाहते हैं अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ें या प्रसाद भोग में चढ़ाएं, तो ये बेस्ट भी है और कम इंग्रेडिएंट से कम मेहनत वाली चीज़ है, तो झटपट से बन जाएगी। आप इस मोदक को एक बार इस गणेश चतुर्थी पे ज़रूर बनाइए और गणपति पप्पा को भोग लगाइए। और फ्रेंड्स बनाकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये मोदक कैसे बने हैं, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो इसी तरीके से देखिए मैंने दूसरे मोदक को भी तैयार कर लिया है। बस फ्रेंड्स हमें यही ध्यान रखना है पोहा भूनते वक्त कि उसका कलर डार्क ना हो, बिल्कुल सफ़ेद रहे, तो ये हमारा पोहा मोदक इसी तरीके से सफ़ेद बना रहेगा। मैं इसमें कोई कलर ऐड नहीं कर रही हूँ, ना मैंने कोई केसर डाला है कि इसका कलर येलो हो, बिल्कुल वाइट रहने दिया है। बहुत ही झटपट से और जल्दी जल्दी बनाया है मैंने कम इंग्रेडिएंट्स में ये मोदक को, तो आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि इसमें मेहनत कम है और बनने वाला जो प्रसाद है मोदक का बहुत ही सुंदर सा है, बहुत ही टेस्टी सा है। तो एक बार इसे आप एक दिन आप बप्पा को इस पोहा मोदक का भोग ज़रूर लगाइएगा बनाकर। और फ्रेंड्स मैं ऊपर आई बटन में और भी जितने पोहा मोदक की रेसिपी है वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं तरह तरह के मोदक की रेसिपी। और ये देखिए देखने में भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ सामने से। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं किसी और तरह की रेसिपी जो मैं बना सकती हूँ तो आप उसकी रिक्वेस्ट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयाँ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गणपति बप्पा मोरिया।